हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल इंडियन पटेल। मैं विकास सिंह पटेल। दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि बेस्ट पीडीएफ एडिटर कौन सा अवेलेबल है हमारे पास। दोस्तों, दो टाइप के पीडीएफ एडिटर अवेलेबल हैं, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। ऑनलाइन जैसा कि आप विंडो में देख सकते हैं, आई लव पीडीएफ, स्मॉल पीडीएफ, पीडीएफ एस्केप, पीडीएफ टू गो, सोडा पीडीएफ, ये सब ऑनलाइन पीडीएफ एडिट कर सकते हैं इन सारी साइट्स पर। इसमें कंप्रेस भी कर सकते हैं, रीसाइज भी कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं इन सारी साइटों पर। बट ऑनलाइन एडिटर में एक सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि आप इसमें जो एडिट करना चाहते हैं वो एक लिमिटेड वैल्यू तक ही एडिट कर सकते हैं, और दूसरा आपको अच्छी इंटरनेट स्पीड की ज़रूरत रहती है, जिससे कि आप फाइल पहले अपलोड करें, फिर वो कन्वर्ट और फिर डाउनलोड करेंगे, तो टाइम भी बहुत कंज्यूम होता है। इसलिए मैं प्रेफर करता हूं कि आप लोग ऑफलाइन पीडीएफ एडिटर यूज़ करें। और उनमें भी मैं जो प्रेफर करूंगा, आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने 5 ऑफलाइन पीडीएफ सॉफ्टवेयर आपको लिख के दिए हैं। एडोब स्मॉल पीडीएफ, फ्री पीडीएफ कंप्रेसर, नाइट्रो पीडीएफ प्रो, पीडीएफ फिल। दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नाइट्रो पीडीएफ प्रो का आप इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये पेड सॉफ्टवेयर है, इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको कैसे ये पे ना करना पड़े इसका क्रैक के साथ। तो सबसे पहले दोस्तों आइए चलते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दी गई है जिसमें आपको ये नाइट्रो पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, और स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर भी बताई गई है कि कैसे आप डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जैसे ही आप जाएंगे तो मैं आपको बता देता हूँ डाउनलोड कैसे करना है। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाला पेज ओपन होगा, ये मेरे ब्लॉग का पेज है। इसमें आप नीचे आएंगे तो यहाँ से डायरेक्ट साइट पर भी जा सकते हैं, आप इनको भी यूज़ करके देख सकते हैं, ilovepdf.com को, smallpdf.com को, sodapdf.com को। इसमें मैंने फिर जो नाइट्रो पीडीएफ है उसके मैंने कुछ जो बेनिफिट हैं वो लिखे हुए हैं कि इसमें आप पीडीएफ एडिट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं पीडीएफ को इमेज में, वर्ड डॉक्यूमेंट में, एक्सेल शीट में, रिच डॉक्यूमेंट फाइल में, और अलग अलग इमेज को एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, वाटरमार्क ऐड कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं आप इसमें, कंप्रेस भी कर सकते हैं। तो ये जो आपको लिंक दिख रही है, क्लिक हियर नाइट्रो पीडीएफ, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी जो आपको दिख रही होगी, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। मेरे पास डाउनलोडेड है तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आप ये पीडीएफ फाइल खोलेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पीडीएफ में आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप उस पेज पर पहुँच जाएंगे जहाँ से आप ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकें विद क्रैक। दोस्तों, यहाँ से आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा फोल्डर ही आपको डाउनलोड करना है। एक में वर्जन 32 बिट है, तो आप यहां से डाउनलोड ऑल कर लीजिएगा। मेरे पास डाउनलोडेड है तो मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूं, मैं आपको डायरेक्ट दिखा देता हूं। मेरे पास ये डाउनलोड है नाइट्रो पीडीएफ प्रोफेशनल। दोस्तों, यहां 64 बिट और 32 बिट, आप अपने कंप्यूटर की फंक्शनिंग देख लीजिए कि कौन से टाइप का प्रोसेसर आपके विंडो आपने इंस्टॉल किए, 32 बिट या 64 बिट। प्रॉपर्टीज़ में जाइए माई कंप्यूटर में, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आपने आपके कंप्यूटर में कौन सी बिट का वो डला हुआ है। जैसे मेरे में 64 बिट है तो मैं 64 बिट इंस्टॉल कर लूँगा। अब इंस्टॉलेशन प्रोसीजर मैंने आपको अपने ब्लॉग में बताया हुआ है, तो आप उस तरीके से अपने इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लीजिएगा, वो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। आप इसमें फाइल खोलेंगे तो आइए चलिए देखते हैं प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर ये मैंने लिख के रखा है, प्रोसीजर फॉलो कीजिए कि सॉफ्टवेयर डाउनलोड कीजिए, विंडो को चेक कर लीजिए, मैंने बता दिया है कैसे चेक करना है, उसको ओपन करिए और इंस्टॉल करिए सॉफ्टवेयर, और सबसे आखिरी विंडो तक आ जाइए जब तक फिनिश लिखा ना आ जाए। फिनिश बटन को आपको क्लिक नहीं करना। फिनिश बटन क्लिक करने से पहले आप अपना ये फोल्डर खोलिए, मान लीजिए 64 बिट इंस्टॉल किया था, क्रैक फोल्डर खोलिए, फाइल चेक .dll जो फाइल है इसको आपको करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आप अपने सी ड्राइव में जाइए जहाँ पर इस प्रोग्राम को आपने इंस्टॉल किया है, ये आप देख सकते हैं नाइट्रो पीडीएफ प्रोफेशनल 7 वर्जन किया है अपने, यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर देंगे। मैंने ऑलरेडी पेस्ट है तो मैं पेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आप सीधा यहाँ पर कॉपी एंड रिप्लेस करिएगा और फिर उसको फिनिश क्लिक कर दीजिएगा।
फिनिश बटन को, आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब मैं आपको इसके कुछ टूल बता देता हूँ, इस पीडीएफ की कुछ विशेषताएं क्या क्या हैं, कि आप क्या क्या कर सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हमको एडिट करने की और कंप्रेस करने की, तो वो मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए ये मेरी कुछ मैंने टेक्स्ट फाइल बना के रखी हैं, ये मैंने ओपन किया। इसमें अगर मुझे कुछ एडिट करना है तो मैं इसमें एडिट कर सकता हूँ। मान लीजिए मुझे इसके बीच में कुछ लिखना है, रिज़ल्ट है यहाँ पर, सिलेक्ट पर जाऊँगा, यहाँ क्लिक करके टेक्स्ट टाइप करूँगा, यहाँ मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, आप देख सकते हैं मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। तो इस तरीके से मैं एडिट कर सकता हूँ। और अगर आपको रिज़ल्ट के बीच में मान लीजिए यहाँ पर कुछ लिखना है, तो सबसे पहले आप एडिट पर जाइए, इसमें एडिट क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी लिखना है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए मुझे पोलिंग के बीच में लिखना है या कुछ डिलीट भी करना है तो डिलीट भी हो जाएगा। मुझे डिलीट नहीं करना है, मुझे सिर्फ ऐड करना है कुछ, तो मैं अपना कुछ भी ऐड कर सकता हूँ, इस तरीके से ऐड भी हो जाएगा। अब मान लीजिए मुझे कई सारे पीडीएफ को कंबाइन करना है, तो कंबाइन पर जाएंगे हम, होम होम पर कंबाइन में ऐड फाइल करेंगे। यहाँ पर सारी टेक्स्ट फाइल को मैंने सेलेक्ट किया और ओपन कर दिया। यहाँ पर कंबाइन पर गए, ऐड फाइल किया, सबको मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पर ऑप्शन उनसे पूछ रहा है कि लार्ज फाइल बनानी है, स्मॉल फाइल बनानी है या मीडियम फाइल बनानी है। मैंने इनसे बोला बिल्कुल एग्जैक्ट क्वालिटी चाहिए मुझे, अच्छी वाली, और सेम फोल्डर में ये क्रिएट हो जाए। तो मैं क्रिएट कर दूंगा और इसका नाम दे दूंगा मैं डमी। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बन के तैयार हो गई है। मैं इस फोल्डर को चेक करूंगा, 21 MB की ये फाइल बनी है। अब मान लीजिए मैं इसी पीडीएफ को फिर से खोलता हूँ कंबाइन करने के बाद। अब मुझे इसका साइज़ छोटा करना है। सबसे बड़ी सबसे अच्छी चीज़ सॉफ्टवेयर की यह है कि बहुत अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज़ करता है, कंप्रेस करता है डॉक्यूमेंट को। तो मैं इसको ओपन करूँगा, इसमें क्वालिटी बता रहा है कि आपको 150 DPI पर चाहिए, 300 DPI पर चाहिए या 600 DPI पर चाहिए, या ओरिजिनल ही करना है, इमेज हटा देना है या कस्टम। मैं बोलता हूँ वेब पर कहीं करिए आप, ये बेटर कंप्रेशन रेशियो देता है और अच्छी क्वालिटी बना के रखता है। तो मैं ऑप्टिमाइज़ कर दूँगा डमी कंप्रेस, हमने इसका नाम चेंज कर दिया, नई फाइल का सेव कर लिया। ये देख रहे हैं आपकी प्रिपेयरिंग हो रही है, कंप्रेस हो रहा है, ये ऑप्टिमाइजेशन चालू है और ये कुछ ही क्षणों में ये कंप्रेस हो जाएगी और आप यहाँ से कंप्रेस फाइल देख सकते हैं इसी फोल्डर में जहाँ पर हमने, जैसे ही ये कंप्रेस होगी दे आप देख सकते हैं, डमी फाइल थी हमारी 21 MB की, बट डमी कंप्रेस जो हमने कंप्रेस कर दी वो बची सिर्फ 14.8 MB की। तो इस तरीके से हम इसको कंप्रेस भी कर सकते हैं। एक और ख़ास विशेषता इसकी ये है कि इसमें आपको कन्वर्टर मिलते हैं, डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं आप वर्ड में, एक्सेल में, इमेज में, या फिर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इमेज इससे। ये बहुत सारे फंक्शन रहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर कीजिए। और कुछ भी आपको इशू होता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू वेरी मच, मैं अगले वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अगली बार अगले वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि एडोब रीडर को कैसे इंस्टॉल करना है, एडोब एक्रोबेट रीडर और उसका क्रैक। तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच। Have a nice day.